नमस्कार। हार्ड वाटर अक्सर हमारे यहाँ बोरिंग का पानी आता है। ये कई लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पानी हार्ड होता है। अब ये हार्ड वाटर का क्या मतलब है? एक बहुत सिंपल है कि आप साबुन से जब सर धोते हैं तो पानी फट जाता है या सर पे चिपचिपा सा हो जाता है। यह पानी पीते तो अक्सर भारीपन फील होता है। यह उस पानी के अंदर यदि हम केमिकली यदि बात करें तो हार्ड वाटर उसे कहते हैं जिसकी पीपीएम, उसके अंदर जो लवण होते हैं मींस दो मिनरल्स होते हैं, उनकी मात्रा 120 पीपीएम से ज़्यादा होना हार्ड वाटर कैटेगरी में आता है। मेनली दो मिनरल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनके क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी मात्रा यदि पानी में अधिक होती है तो हम उसको हार्ड वाटर कहते हैं। अब क्या ये बालों पे नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि सर मैं जब से इस एरिया में आया हूँ यहाँ का पानी भारी है, हैवी है, इस कारण से मेरा हेयर फॉल बढ़ गया। अब मैं इसके दो इम्पैक्ट बताता हूँ कि हार्ड वाटर का क्या इम्पैक्ट होता है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करूँ तो हार्ड वाटर का एज सच आपके स्वास्थ्य पे कोई नुकसान नहीं होता है। ये मिनरल्स बल्कि आपके लिए प्रोटेक्टिव है। कई बार कोई लोग, बहुत सारे लोग घर में उन्होंने हेयर सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर लगाया हुआ है या आरोस का पानी पीते हैं और उसका बहुत कम कर देते हैं तो ऐसे बल्कि उनको नुकसान हो सकता है। तो ये जो लवण है, मिनरल्स है, आपके हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव है, हार्मफुल नहीं है। लेकिन कई बार इस वाटर के अंदर अन्य टॉक्सिक होते हैं जैसे लेड। सबसे खतरनाक चीज है, कुछ एरिया में लेड लैंड में पाया जाता है, उसमें वो बहुत ही खतरनाक है, वो आपको हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वो टॉक्सिन्स है। अब ये हार्ड वाटर आपके बालों के साथ क्या करता है? बालों से हार्ड वाटर जो मिनरल्स है वो स्कैल्प की सतह पे और बाल पे कोटिंग बना लेते हैं। इस कोटिंग बनाने से क्या प्रभाव होता है? ये कोट उसको हेयर के हाइड्रेशन को रोकता है। हाइड्रेशन को रोकने से बाल सूखा हो जाता है, फ्रिजाइल हो जाता है और इन धीरे धीरे वो टूटने लगता है। तो ये साल्ट यदि आपके हेयर फिलामेंट पे, बाल पे यदि जमते हैं रेगुलरली, हटते नहीं हैं, तो वो बाल सूखा हो जाएगा, फ्रीजी हो जाएगा, रफ हो जाएगा और हैंडलिंग और कॉम्बिंग के दौरान वो बाल टूट जाएगा। यदि आप समय रहते उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये हेयर लॉस आपका बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जो ऐसा मैंने बताया उस पानी के अंदर लेड है तो लेड एब्जॉर्ब होकर के डायरेक्ट आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकता है। अब इससे आप अपने आप को बचाएंगे कैसे? इससे बचाने का तरीका है, आप किसी अच्छे शैम्पू का उपयोग करिए। आप अच्छे शैम्पू का उपयोग करेंगे तो आपके बालों पे वो जो साल्ट है वो नहीं जमेगा और रेगुलर रहेगा। फिर ऐसा पूछते हैं, मैं डेली नहाता हूँ, डेली हार्ड वाटर का प्रयोग करता हूँ तो क्या मैं डेली शैम्पू लगाऊँ? यस, डेली शैम्पू लगाने से, अच्छे क्वालिटी के शैम्पू को लगाने से बालों पे कोई नुकसान नहीं होता है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, साबुन या शैम्पू अच्छी क्वालिटी का यदि आप रेगुलर उपयोग करते हैं तो बाल उसके कारण नहीं झड़ते हैं। इसके लिए सिंपल है, बारिश और तूफान से सारे मकान नहीं गिरते, जो मकान कमजोर होते वही गिरते हैं। तो बारिश या तूफान नहीं है मकानों के गिराने का, कमजोर मकान गिरते हैं। तो अब आपकी बालों की जड़ें यदि कमजोर है तो वो गिरेगी। अतः आपका अच्छी क्वालिटी का शैम्पू हार्ड वाटर से आपकी रक्षा करता है, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे समय में कई बार आप प्री हेड वॉश ऑयल का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके एरिया का पानी बहुत खराब है तो आप कभी रात्रि को अपने बालों पर तेल लगा लीजिएगा और सुबह आप धो लीजिएगा, आपके बालों को नुकसान नहीं होगा। तीसरा एक और है, आप बाल्टी में
फिटकर ही होती है, सभी जानते हैं, उसको आप डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए तो जो साल्ट है वो बैठ जाएगा। फिर ऊपर का पानी आप नितार करके छान करके उस पानी को ले सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में सॉफ्टनर भी लगाते हैं जिससे उसकी हार्डनेस कम हो जाती है। 60 ppm से कम का पानी सॉफ्ट कहलाता है, 60 से 120 का मीडियम या मॉडरेट कहलाता है, और 120 ppm से ज़्यादा का पानी हार्ड कहलाता है। अतः दोस्तों, मैंने आपको बताया हार्ड वाटर आपके बालों के हाइड्रेशन को रोकता है, सूखा करता है, फ्रजाइल बनाता है, टूटने वाला बनाता है, और इससे रक्षा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शैम्पू का उपयोग कर सकते हो, पानी को फिटकरी से साफ कर सकते हो, घर में सॉफ्टनर लगा सकते हो, और यदि बाल बहुत खराब हो गए तो आप हेयर मास्क जो अंडे का होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।